हेलो गाइस, नोना प्रिंस और आज देख रहे हैं मिशन मंगल का ट्रेलर। फाइनली टीजर वाज क्वाइट गुड, स्टारिंग अक्षय कुमार, विद्या बालन, सोनाक्षी सिन्हा, तापसी पन्नू, कृतिक उलारी, शर्मन जोशी एंड डायरेक्टेड बाय जगन शक्ति। अक्षय कुमार ग्रेट, विद्या बालन अमेजिंग एंड तापसी माय फेवरेट। चलिए पहले ट्रेलर देखते हैं, फिर बाद में बात करेंगे सम ऑफ द कॉन्ट्रोवर्सीज जो मूवी के अराउंड हैं और इस मूवी को कंपेयर किया जा रहा है एक हॉलीवुड फिल्म हिडन फिगर्स से। सो लेट्स वॉच द ट्रेलर फर्स्ट, लेट्स स्टार्ट। There's no science without experiments. Experiment नहीं करेंगे तो हमें अपने आप को साइंटिस्ट कहने का कोई अधिकार नहीं। That is very looking good. तुम्हारी इस एक गलती की वजह से इंडिया का स्पेस प्रोग्राम पूरे 5 साल पीछे चला गया। अमेरिका ने मार्स के लिए नेवल लॉन्च अनाउंस किया। I'm happy for them. हम क्यों नहीं कर सकते सर? We should borrow from NASA's knowledge and build on it. हमारी हर समस्या की मरम्मत NASA से करवाने जाएंगे तो हम सत्य NASA हो जाएंगे। तेल जब पूरी के लिए गर्म है तो उसको और गर्म नहीं करते, ऑफ करके गैस बचा के पूरियां तलते रहते हैं। इस होम साइंस की टेक्निक से हम लोग मार्स जाना चाहते हैं। You lost your mind? पर आज तक दुनिया में ऐसा एक भी देश नहीं है जो पहली ही कोशिश में मार्स तक पहुँच पाया। So they need a team fast. 3 साल के एक्सपीरियंस के लिए यहाँ नौकरी कर रही हूँ, उसके बाद उड़ जाऊंगी NASA। शादी नहीं हो पा रही है, मंगल मंडा रहा है सर पे सर, और ये डिपार्टमेंट मंगल जाने की बात कर रहा है। तुझे स्पेस साइंटिस्ट बनना था इसलिए मुझे 5 साल वेट करना पड़ा। अब नर्स का काम क्यों कर रही है? क्योंकि अब शादी जो होगी तुमसे। ऐसे मुश्किल मिशन के लिए जवान खून चाहिए सर। चेहरे पे देखो क्या नूर है, रात को क्या चावन प्राइस लगाते हो क्या? इतनी कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग की नहीं है अब तक। Isn't that exciting? पहली बार वी गोना डू इट। नए इंस्ट्रूमेंट्स कैसे फिट करेंगे? दिस इज इम्पॉसिबल सर, हमें एक एक्सपीरियंस टीम चाहिए और ये सब तो इसरो में मार्स जाने का एक्सपीरियंस किसके पास है? और तुम चाहते हो 800 करोड़, कहाँ से लाएंगे पैसा? इट्स इम्पॉसिबल। इस ट्रेजेक्टरी में 850 किलो फ्यूल के साथ इट्स इम्पॉसिबल। The chances of this mission succeeding is less than 1%. मुझे अभी पता नहीं है कि कैसे करेंगे, पर करेंगे सर, करना ही पड़ेगा सर। This is Rakesh Dhawan, Mission Control initiating command for launch. Go, go sir, go, go sir, go. I like the authenticity. This shot looks amazing, even in the teaser. That Vande Mataram music. So first thing, मुझे बहुत अच्छी लगी जो themes हैं movie में। Someone is saying कि बस NASA से try करते हैं, वो लोग help करेंगे, किसी को जल्दी से यहाँ पे experience लेके NASA जाना है। कैसे each individual woman की अलग अलग story है। शर्मन जोशी का character, वैसे सोचा जाता है कि एक scientist religious नहीं हो सकता, पर एक religious बंदा ऐसी जगह काम कर रहा है, वो देखने वाला होगा। फिर एक वो aged man कह रहा है कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता, एक यंग पर्सन चाहिए सब काम करने के लिए, मेरे बस की नहीं है। तो इतने सारे डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, सबकी डिफरेंट डिफरेंट स्टोरी है और कैसे ब्लेंड इन होती है इस एक मिशन से, वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना। हाई चांसेस हैं कि खिचड़ी बन जाए, लेकिन आई होपफुली ट्रेलर देख के तो लग रहा है कि एंड प्रोडक्ट अच्छा होगा। जो विजुअल इफेक्ट शॉट्स हैं वो बहुत अच्छे लग रहे हैं, ऑथेंटिक लग रहे हैं, इवन जो बातें हो रही हैं। अब मैं तो भाई गया नहीं स्पेस स्टेशन, मूवीज़ में ही देखा है और डॉक्यूमेंट्रीज में देखा है कैसे दिखता है ये स्पेस स्टेशन में, जैसे काम होता है, क्या क्या लैंग्वेज यूज़ होती है, क्या बोलते हैं, तो उस हिसाब से तो ऑथेंटिक लगा। अब मैं तो गया नहीं भाई इसरो कैसा होता है, आप लोग गए हो तो बता दो कमेंट्स में, बट मुझे तो ऑथेंटिक लगा। ऑफकोर्स इंस्पायर्ड बाई ट्रू इवेंट्स, बट एंडिंग में कुछ सीन वो मेट्रो में किसी को पीट रहे हैं, ठीक है मतलब स्टोरी में बैठता है। तो ऑफकोर्स वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में जो मैं कंपेरिजन की बात कर रहा था, हिडन फिगर्स जिसमें दिखाया गया कि फीमेल्स कितनी इंपॉर्टेंट थी नासा के प्रोजेक्ट में, कैसे पोस्टर पे सिर्फ 3 फीमेल्स को दिखाया गया था, बट हमारे पोस्टर में जो पहला पोस्टर आया था स्क्रीन पे होगा इस वक्त, उसमें कैसे
अक्षय कुमार डोमिनेट कर रहे हैं, लेकिन सेकंड पोस्टर में बेटर है थोड़ा। विद्या बालन और बाकी एक्टर्स को भी ज्यादा स्पेस दिया गया है, लेकिन ट्रेलर देखा जाए तो बहुत ऐसा लग रहा है अक्षय कुमार हैवी है, लग रहा है कि डोमिनेट कर रहे हैं वो स्क्रीन को। आई डोंट नो कितना एक्यूरेट है रियल स्टोरी से, ऑफकोर्स लिबर्टीज लेंगे, स्टोरी सुनानी है, थोड़ा ड्रामा होना चाहिए, इंटरेस्टिंग लगनी चाहिए स्टोरी। मुझे भी याद है जब ये मिशन हुआ था और पता चला था कि कुछ 7 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से हमने लॉन्च किया था, सबसे चीपेस्ट। बहुत लोग कह रहे हैं ग्रेविटी मूवी के बजट से भी चीप था ये प्रोजेक्ट, जैसे अक्षय कुमार ने कहा होम साइंस यूज करके। और ये हुआ है, मेरे घर में भी हुआ है कि तेल ज्यादा गर्म हो जाए तो गैस बंद करके पूरी तली जा सकती है। बहुत इंटरेस्टिंग लगा, कभी मैंने भी ये नहीं सोचा था, बस पूरी खा रहा था मैं। ऑफ कोर्स इंडिया स्पेस में बहुत तरक्की कर रहा है, अभी चंद्रयान 2 भी लॉन्च होने वाला है, उसे पोस्टपोन कर दिया था क्योंकि कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज थी, बट अगेन इस ट्यूसडे को फिर से लॉन्च होगा, बस प्रे करें कि सक्सेसफुल हो। एक क्रिटिसिज्म जो मुझे अभी से पता है होने वाला है इस मूवी पे, जो क्रिटिक्स मूवी देखने के बाद बोलेंगे ये बिल्कुल ऑथेंटिक मूवी नहीं थी, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता है। देखिए ट्रेलर से दिख रहा है कि ये मूवी रियलिस्टिक होने की, बिल्कुल एक्यूरेट फैक्ट्स टू फैक्ट्स होने का ट्राई नहीं कर रही है। ये मूवी मोटिवेट करने के लिए, अपने इसरो ने जो किया उसको सेलिब्रेट करने के लिए, एक थोड़ा ड्रामेटिक थोड़ा स्टाइलिस्टिक वे में। अगर ट्रेलर देखने के बाद ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत रियलिस्टिक होगी, बहुत ग्राउंडेड मूवी होगी, ऑफकोर्स नहीं है। और फिर आप क्रिटिक्स यही बोलेंगे अरे मूवी अच्छी नहीं थी, बहुत कम स्टार्स देंगे और फिर मूवी बहुत हिट हो जाएगी, क्योंकि साफ साफ ट्रेलर में दिखाया जा रहा है कि मूवी डॉक्यूमेंट्री स्टाइल नहीं है। सबका ओपिनियन है भाई, क्या कह सकते हैं। इसरो की एक और जो खास बात है कि वो बहुत कॉस्ट एफिशिएंट चीज़ें करते हैं। जब स्पेस रेस शुरू हुई थी रशिया और यूएस के बीच में, बस कॉम्पिटिशन था, पैसे उड़ाए जा रहे थे। और मैंने फर्स्ट मैन देखी है जो बहुत एक्यूरेट है, जो रियल में हुआ था कि कैसे सिर्फ रशिया को हराने के लिए कितनी बार यूएस ने अटेम्प्ट किए और कितने बार एस्ट्रोनॉट्स मर गए प्रोसेस में। पर वो है कि इंडिया वो नहीं कर रहा है, इंडिया ने इतनी सारी सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं इंटरनेट ब्रॉडबैंड बढ़ाने के लिए, सैटेलाइट इंटरनेट यूज़ करने के लिए, और इंडिया की डेवलपमेंट के लिए स्पेस के प्रोग्राम्स हैं, कॉस्ट एफिशिएंट हैं। नासा और स्पेस एक्स मतलब वो लोग पैसे उड़ा रहे हैं भाई टेक्निक और पता नहीं क्या क्या इन्वेंशन करके, बट इंडिया कॉस्ट एफिशिएंट चीज़ें कर रही है और वो बहुत अच्छी बात है इंडिया की। हम किसी को हराने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए सब नहीं कर रहे हैं, एंड आई थिंक दैट्स द बेस्ट पार्ट एंड दैट्स व्हाट एन इंडियन कल्चर स्टैंड्स फॉर। सो गाइस अंधेरा हो रहा है, लाइटिंग खराब हो रही है, मुझे पता है, मुझे वीडियो जल्दी बनानी थी, बस जगह नहीं थी जहाँ मैं ओरिजिनली वीडियो शूट करता हूँ। तो अच्छी लगी प्लीज़ थम्स अप, चैनल को हेल्प मिलेगी। कॉमेंट योर थाट्स, आपको क्या लगता है ट्रेलर के बारे में। और मूवी 15 को रिलीज़ हो रही है जहाँ साहो और पटला हाउस रिलीज़ हो रही है, तो आप पहली कौन सी देखने जाएंगे। सो गाइस थैंक यू वॉचिंग। If you're new to the channel, check out the videos, and if you like them too, do consider subscribing. And I'll see you next time.